सामान होगा। पता नहीं यार मम्मी ने क्या मंगाया है इसमें। चलो मैंने ना बॉक्स खोल दिया है। 1 2 3 ओ भाई देखो मेरे को लगा ही था इसमें ज्वेलरी होगी। वाओ कितना मस्त सेट है देखो, रेड और गोल्डन कलर में देखो। बारिश के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए लगाई थी। कैसे है? ए छोड़ झूला मत देना कुछ, तू हट जा हट जा। देखो कृष्णा कैसे लटक रहा है, लटक। वाह जिम्नास्टिक वाला बच्चा, मंडे से जिम्नास्टिक ज्वाइन करनी है ना? संडे से, अगले संडे से। ए अगले संडे से, चुप बैठ। अगले मंडे से। नहीं नहीं देखो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी पूरा टेरेस झाड़ रही है। क्यों मम्मी? वर्कआउट करने के लिए और मम्मी चीकू को भी लेके आ गई। ये अपने टेरेस पे इतना सारा पानी किसने गिराया? मेरे को नहीं मालूम ये किसने गिराया, लेकिन पापा को नहीं बोल लेगा। चल कृष्णा चल। अरे जाने का, हम जा रहे फिर। चल हम जा रहे। ठंडी लग रही, चल आजा आजा आजा। ए मामा अभी मैं क्या बोल रहा था कि अभी है ना पापा को मत बोल कि मैं ना ऊपर पानी खेल रहा था, और अभी है ना मुझे नीचे चल के ना मोटा हाथी लगा के दे, मोटा हाथी। ए मामा तू भी बैठ ना मेरे साथ में ना, वो मोटा हाथी और वो बेबी शार्क डुटू डू, बेबी शार्क डुटू डू वो कार्टून देखने के लिए, क्योंकि ना तेरे को भी स्कूल में ना वो पोयम बोलने की है बेबी शार्क टूडू टूडू और मोटा हाथी की। हमने ना द्वारका से हमारी जो मौसी है ना उनके लिए ये पर्स लाई है, देखो कितनी मस्त कलरफुल पर्स है, चलो उनको देते हैं। काकू सगोला है तुमचा साइड।
जाने। फोन भी रखने के लिए ऐसे। देखो मौसी के पास ये वाली है, हमने द्वारका से एकदम कलरफुल वाली लेके आए। कैसी लगी? चाने। और येलो कलर का भी एक है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, येलो में है ना इसको नीचे से ग्रीन नहीं रेड कलर की आउटलाइन है, तो ये भी एकदम फ्रेश और अच्छा लग रहा है। आप बताना गर्ल्स, येलो वाला अच्छा है, रेड वाला अच्छा है या फिर पिंक वाला अच्छा है, ये तीनों में से कौन सा वाला घाघरा ज्यादा अच्छा है बताओ जल्दी से कमेंट में। और एक ये पिंक कलर का, इसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग है और इसके नीचे का घेर जो है ना वो बहुत बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा घेर है। और आप सबको तो बताइए कि मम्मी ने सूरत में से कितनी सारी साड़ियों की शॉपिंग की है, तो देखो मैं आपको एक एक करके जो जो साड़ियाँ ली है वो दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही मम्मी ने ना दादी के लिए ये साड़ी ली है ना मम्मी। हाँ। ये दादी के लिए कितनी मस्त साड़ी है ये, अब मैं आपको पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी इसमें क्या देखना, साड़ी साड़ी है। और नेक्स्ट ये नानी के लिए, इसका कलर कितना मस्त है ना, मेरे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं बोला मम्मी को ये वाली साड़ी लेने के लिए, इसको क्या बोलते हैं मम्मी, नववारी साड़ी। हाँ नववारी साड़ी। और ये मैंने मम्मी को बोला कि आप अपने लिए दो, देखो रेड कलर में कितनी मस्त साड़ी, मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ आपको उसका प्रिंट। गर्ल्स अच्छी है ना, और देखो ये वाली भी एक मम्मी के लिए ली है साड़ी उन्होंने, कितनी मस्त है, ये पहनने के बाद और भी अच्छी लगेगी मम्मी के ऊपर। और देखो ये वाली पापा की चॉइस की साड़ी है पिंक कलर में, पापा को और मुझे ये देखते ही पसंद आई थी। बताओ कौन सी वाली साड़ी अच्छी है मम्मी की, ये वाली पिंक और रेड वाली या फिर ये वाली या फिर रेड वाली, तीनों में से कौन सी अच्छी है जल्दी से बताओ। खाना लगा हो गए ना, ये मैंने ना ऊपर वो टाई किया था ना इसकी वजह से ऐसे कर लिया। क्या खिला रहे हो उसको? अरे वो दाल चावल इधर भाग के आया। चल ची जल्दी से रेडी हो जा दाल चावल खा के, हमको जाना है फिर। पापा है ना मेरे को वो तीखी वाली दाल खाने की, क्योंकि मैं ना तीखा ही खाता, तीखा मैं ना ऐसे छोटे बच्चों के जैसे मीठा नहीं खाता, क्योंकि मैं अभी मैं बहुत बड़ा है, मैं बड़ा तुम सबसे। देख कैसा मिर्ची का खाता हो, ऐसे फीकी दाल रही तो नहीं खाता हो। हाँ, तीखा तीखा चाहिए, तीखा तीखा चाहिए उसको, ले खाओ तीखा तीखा। अरे देवर देवा, ये तो बहुत ही तीखा लग गया है मेरे को। तीखा भी खाने का है, पानी भी पीने का है। हाँ पानी हो ना, रुक मैं लेके आती, चल 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 पानी पीने चल, आजा 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 आजा, बहुत तीखा लग गया शायद। अब देखो कैसे खुद से पीता है, ले पकड़ पकड़ दोनों हाथ से। और मैं खुश क्यों है? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए।
लिए, मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए हम शॉपिंग करेंगे, है ना मम्मी? क्या 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 देख क्या क्या आइसक्रीम खा रही क्या क्या बोले? शॉपिंग करने। अरे क्या तुम्हारा दिमाग वगैरह ठीक है क्या? नहीं हाँ? मम्मी के लिए ना पापा। गुजरात से इतनी सारी शॉपिंग वगैरह करके आया, अभी तुमको शॉपिंग जाने का, तुमको कुछ शर्म भी नहीं क्या? मैं नए कपड़े पहनूं, मेरा ऑपरेशन होने वाला है ना, तो ऑपरेशन के लिए मुझे शॉपिंग करने की। पापा बोले तो ऑपरेशन होने के बाद नए कपड़े कपड़े पहनने, पुराने कपड़े नहीं पहनते। ऑपरेशन होने के बाद में नए कपड़े पहनते हैं, कहाँ लिखा ऐसे? ऐसे सब लोग बोलते हैं। वो लोगों को है ना, मेरे मीटिंग कराओ उनसे। वो सब छोड़ो, चलो अभी हमको लेके चलो। नहीं नहीं नहीं, आप चलो, आप चल रहे हो, मैंने बोल दिया पापा, बस करो आइसक्रीम खाना, चलो। मम्मी आप रेडी हो? सीधा अपन है ना जाके गाड़ी में बैठेंगे, कहाँ है गाड़ी की चाबी? और हाँ हाँ, मैं ना मम्मी को पनीर चिल्ली और मंचूरियन भी खिलाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद मम्मी नहीं खा पाएगी, है ना? नहीं। पापा चलो ये लो, लो जाना यार तुम मामा के साथ। नहीं नहीं नहीं, लो चलो गाड़ी खोलो, हम आ रहे फिर भी हार लेने के। एक ही तो है। आओ आओ बैठो, आपको पता है अभी पापा आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छे कपड़े हैं आपके। हाँ बहुत अच्छे कपड़े हैं, इसलिए नए मत ले। और लेकिन हमको लेने हैं मम्मी के लिए नए कपड़े, मम्मी बहुत सारे लेंगे हम। नहीं दो जोड़ी काफी है। बाप रे, पापा तो फिर खुश हो गए। तो मम्मी ने ना अभी सोनल दी को भी कॉल किया है, तो हमें ना उससे भी मिलेंगे बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मम्मी गुजरात ट्रिप के बाद ही मिलेंगे ना हम उसको। हाँ। देखो कितने 15-20 दिन के बाद हम सोनल दी से मिलेंगे। हाय सोनल दी, कैसी है तू? कितने टाइम लगा दिया यार तूने। अरे क्या वो डोर बंद करती कने अभी? कितने दिन बाद मिले हम। हाय कैसी डिबू? एकदम मस्त। चलो पापा। वाओ देखो कितने दिनों के बाद हम मार्केट आए। थोड़ा आगे ले लो पापा गाड़ी, ताकि हमको ज्यादा चल के ना जाना पड़े, थोड़ा सा चलना पड़े। तो सबसे पहले ना मम्मी और सोनल दी देख के आ रहे वो ड्रेस वाला है कि नहीं। जाओ फटाफट जाके ले लो, जाओ 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 जल्दी से। हम आए पापा भी। मम्मी एक्साइटमेंट पे ना पहली चली गई। ओह माय गॉड। अच्छा कलर है ना? हाँ दिखा। अच्छा है ना? व्हाइट वाला भी अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा ही है। एक मिनट लगा के दिखाओ आप। ये पिंक वाला अच्छा है। पिंक वाला अच्छा है। व्हाइट और पिंक में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? हाय हाय सुपर स्टूडियो गाइस, थैंक यू थैंक यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। एक सेकंड ना, आज की ये शॉपिंग मैं करवा रही हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को एकदम खुश हम खुश करना है मुझे। अभी कुछ दिनों बाद मम्मी की एक सर्जरी होने वाली है, उसकी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल मम्मी की शॉपिंग एंजॉय करते हैं। मम्मी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये देखना, ये भी अच्छा है। हाँ ये वाला भी अच्छा है। मम्मी के ऑपरेशन के लिए हमको पूना जाना है, तो पूना जाने के लिए मम्मी बस दो ड्रेसेस की शॉपिंग करने आई है।
लेकिन आप देखना, मैं मम्मी को हर रंग का ड्रेस दिलाऊंगी, वो भी 10-15 ड्रेस लेके दूंगी। अरे बाप रे, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। ये भी मस्त है, वीडियो में सभी अच्छे लग रहे हैं। मम्मी कौन सा अच्छा लग रहा है? सभी अच्छा लग रहा है। ये कलर भी अच्छा है मम्मी, सारे अच्छे लगेंगे। अरे आपका अच्छा लगेगा। ये रेड वाला है मेरे पास, बोलूं क्या? रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड। अब बाद में आप बोलते हो वीडियो में अच्छा दिख रहा था। दिखा कैसे? हाँ अच्छा है सच में। दिखा सो जल्दी। ये देखो ये वाला कैसा है, आप ही बताओ गर्ल्स अच्छा है ना? मम्मी मम्मी नहीं बोलेगी। हाँ बोल दिया मम्मी ने। ये वाला कैसा है? ये भी अच्छा है। गर्ल्स बताओ कैसा है? तो मम्मी को जो जो ड्रेसेस पसंद आए मैंने सब खरीद लिए। 10-15 हो गए, उठाया भी नहीं जा रहा। देखो ना, पापा को क्या जवाब देंगे? पापा को बिल्कुल नहीं बताना कितने के लिए और कैसे लिए। आपको पता ही सब कुर्ते कितने के बताओ जरा। मैं नहीं बताने का, और जिंदगी में पहली बार अपने लिए इतने सारे कपड़े लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना पापा कैसे रिएक्ट करते, एकदम शॉक से देखेंगे पापा। अब पता नहीं पापा क्या बोलेंगे। चलो चलो ना, चलो। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम हाथ पार कर रहे पूरी। हाँ मेरा ऑपरेशन है ना, ऐसे मत बोलना। अरे चुप है। चलो पापा भी कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। एक घंटा लगा दे तुमने, एक घंटा। पापा चलो ना कैनॉट प्लेस मोमोस खाने। मैं भी कुछ भी बोलने वाला नहीं है, तुम जहाँ चलने का वहाँ चलो, मेरे से बस बात मत करो अभी। की खुशी तो देख। देखा क्या बोले पापा, फिर से बोलो। कुछ था नहीं, हंस रहे पापा। मैं तो यही दुआ करूंगी ना जिंदगी में, हर लड़की को ऐसा दिन आए कि वो बहुत सारे कपड़े खरीदे मेरे जैसे। देखो देखो पापा मम्मी कितनी खुश है, मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे कपड़े खरीदे एक साथ, वो भी वो ना मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी, तो जब भी मैं उसके घर पे जाती थी ना, हाँ, तो उसका कबाड़ ऐसे कपड़ों से, हर कलर के कपड़े ड्रेसेस थे उसके पास, पंजाबी सूट सब सब। तो मैं जब भी उसके कबाड़ खोल के देखती थी, तो मैं को ऐसे लगता था कि काश मेरे पास भी इतने सारे कपड़े होते और मैं रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहनती, तो आज मेरा सपना पूरा हो गया। कितने सारे कुर्ते वगैरह लिए, इसीलिए मम्मी इतनी खुश है देखो। और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी को इतना खुश देख के, क्यों पापा? थैंक यू। ठीक है ये लो। पर ये मत पूछो कितने का बिल हो गया। हाँ वो नहीं पूछना, मैंने आपको भी नहीं बताया। तो मैंने ना हमारे औरंगाबाद में बहुत जगह मोमोज खाए, लेकिन ना मुझे एक ही जगह के मोमोज बहुत पसंद है, वो है हमारे कैनॉट प्लेस के प्रीति मोमोज। वहाँ के मोमोज का टेस्ट ही अलग होता है, मुझे बहुत पसंद है। अभी हम है ना वहीं पे जा रहे हैं। तो देखो ये है कैनॉट प्लेस का प्रीति मोमोज, और यहाँ पे है ना मैंने पनीर फ्राई मोमोज ऑर्डर किया। मुझे ना पनीर फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं, इतने टेस्टी मोमोज होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मम्मी का ऑपरेशन होने के बाद है ना मम्मी ये सब कुछ नहीं खा सकती, इसीलिए ना अभी हम मम्मी को ये सब खिला रहे हैं, ताकि है ना मम्मी का मन भर जाए, है ना मम्मी? हाँ, फिर ऑपरेशन में जाने के बाद ऐसा लगता है मैं क्या खाऊँ क्या नहीं, और मतलब बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है। कोई बात नहीं मम्मी, जल्दी सब ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा, और थोड़ा वेट कर लो, फिर से हम ये सब चीजें खाएंगे। क्या गरम है, रुको थोड़ा सा, लेकिन फिर भी खाऊंगी मैं, गरम है तो क्या हुआ। क्यों पसंद आता रहे लड़कियों को ये मोमोज? खाओ ना, अच्छा है ना, क्यूट रहता ना मोमोज, इसलिए। किस किस को मोमोज पसंद है बताओ लड़कियों,
मेरी तरह। ये लो आप भी खाओ। हो गया हमारा मोमोज खा के। मम्मी अच्छा लगा ना मोमोज खा के? हाँ बहुत अच्छा लगा। मन भर गया ना आपका? हाँ एकदम। तो अभी हम लोग आए सोनल दीदी को ड्रॉप करने के लिए। अभी सोनल दीदी को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद में हम भी घर पे चले जाएंगे। देखो देखो। बाय बेस्ट ऑफ लक एग्जाम साथी। सोनल दीदी की भी एग्जाम चल रही है, बेस्ट ऑफ लक सोनल दीदी। अच्छे से कुछ लिखना पापा। बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। लग भी कुछ नहीं रहता एग्जाम के अंदर, मेहनत करिए तो है ना, लिख देना अच्छे से। हाँ बाय 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 बाय। सॉरी सॉरी देख के ना रे सोना दी। अरे यार मैंने देखा ही नहीं। रुक अभी। अच्छा ओ तुम पूरा नहीं खोला नहीं जाता। बाय बाय। भागते भागते जा। हाँ तो अब कल हमें जाना है पुणे, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को पुणे रेफर किया है ऑपरेशन के लिए। और हम जाने वाले हैं बबीता आंटी के पास, उनकी गोकुल धाम सोसाइटी में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।